السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وحل الأُقدة من لساني. يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. كيف أجرك يا उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे दुआ तो ताला आपको हमेशा हदायत के रास्ते पर रखे दीन के रास्ते पर इस्तकामत अता कुरान को तरजुबे और तफसीर से समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की तोहफ़ी का ता फरमाए साल आपको हर फितने और हर शर से महफूज रखे अपनी हिरसुमान में रखे आमीन अल्लाह मामीन हमारी सूरत बकरा की आयत तबर फिफ्टी थ्री है पहले लफसी तर्जुमा कर लेते हैं और फिर इनशा तफसर होगी लफसी तर्जुमा वाह और इफ़ जब आते दी हमने मू सा मूसम को अल किताब किताब वाह और अलफ़ुर्क़ान फुर्क़ान ला तुम ताकि तुम तह तुम हदायत पा जाओ वाह मानी है और ये बार बार आता है और इज ये भी बहुत दफा आया है इसके मानी है जब लेकिन इसका एक मानी यह भी होता है कि याद करो जब ये हुआ था ठीक है जी आयत में है वा इज आती मूसल किताबा ताबा वह तदून तर्जमा बनता है फिर याद करो हमने मूसा मूसम को किताब और फ़ुर्कान दिया ताकि तुम हदायत की राह पा सको अल्ला फरबा रहे हैं ए बने इसराइल मेरा एक और एहसान भी याद कर लो वैना मूसअल के तब बवुलुर्क़ान जब हमने मूसा मूसम को किताब और फ़ुर्क़ान दिया था फुरकान हक और बातिल में फर्क करने वाली चीज़ को कहा जाता है यहाँ फुरकान से मुराद तौरात है और फुरकान से मुराद कुरान भी होता है कुरान में फुरकान कुरान को भी कहा गया है तौरात में शरीयत के अहकबात थे और फिर जो भी मोड़ से अल्लाह मोज़े तआला ने मूसा को दिए वो सब भी इसमें आ जाते हैं देखें अब आखिर में बताया जा रहा है कि तौरात के नाजिल होने का मकसद क्या था किस वजह से ये नाजिल हुआ आयत के आखिर में इसका जवाब है लाल तहता ताकि तुम हदायत पा जाओ यहाँ हमारे लिए भी यही सबक है कि तौरात की तरह क़ुरान जिसे फुरकान भी कहा गया है हमारी हदायत के लिए ये कुरान नाजिल हुआ है ये हदायत की किताब है उन्होंने भी अपनी किताब से हदायत नहीं पाई उसमें तहरीफ कर ली रदो बदल कर लिया अपनी तरफ से कुछ डाल दिया कुछ निकाल दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियाँ थीं उनका ज़िक्र था कुरान का ज़िक्र था सब निकाल दिया तो फिर उनका क्या अंजाम हुआ हम भी आज अपनी इस हदायत की किताब यानी कुरान के साथ क्या करते हैं ये कुरान तो नाजिल इसलिए हुआ था कि हम तर्जमे और तफसीर से इसको समझ कर सीखें पढ़ें और फिर हर हर हुक्म पर अमल करें लेकिन हम क्या करते हैं कभी दुल्हन को इसके नीचे से गुजारा जाता है कभी आयत को तावीज़ की शक्ल में गले में लटका लेते हैं कभी इन आयत को एक पेंटिंग में सजा कर दीवार पर लगा लेते हैं कभी इन आयत को पानी में घोल कर पिया जाता है आपने देखा होगा तावीज़ों पर आयत लिखी होती हैं पानी में घोला जाता है और पानी पिया जाता है जिस मकसद के लिए कुरान नाजिल हुआ था वो मकसद हम हासिल नहीं करते क्योंकि उस मकसद को हासिल करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना कोशिश करनी पड़ती है तर्जमा याद करना होता है फहम से जिस तरह आप लोग समझ रहे हैं माशा इस होता है और फिर अमल किया जाता है देखिये आप जो भी कोर्स की किताबें पढ़ रहे हैं या जब बड़े हो जाएंगे डॉक्टर इंजीनियर पायलट जो भी बनना चाहेंगे आपकी जो भी कोर्स की किताबें होंगी तो आप क्या करेंगे उनको समझेंगे समझ कर पढ़ेंगे ना तभी इम्तिहान में पास होंगे ऐसे तो नहीं पास हो सकते कि उन किताबों के, के सफ़े पानी में घोल कर पी लें या आप उनके ताबीज बनाकर गले में लटका लें या उनको दीवारों पर पेंटिंग बनाकर सजा लें ऐसे तो नहीं समझ आएगी आपको ऐसे तो आप फेल हो जाएंगे तो आखिरत के इम्तिहान में फेल हम होंगे कि नहीं होंगे अगर हम इनको समझ कर नहीं पढ़ रहे और अमल भी नहीं कर रहे क्योंकि ये तो अमल की किताब है हदायत की किताब है जन्नत का रास्ता बताती है जहनुम के रास्ते से हमें बचाती है दुआ है तआला हमें इस कुरान को तर्ज में और तफसीर से समझने और अल्लाह के हर हर हुक्म पर अमल करने की तोहफ़ी फरमाए ताकि हम इस कुरान से हदायत पा सकें और आख़रत में जहनम से निजात पा सकें और इन जन्नत में जन्तुलफ़रदोस की दुआ करनी चाहिए उसमें दाखिल हो सकें आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा सुबह नकल वबी हमदी का न शूलता न स्त फ़िर व न तो बोलेक वालेकुम वरमि व बरकतु